द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। समय हो चला है योगी राज से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में किसानों पर लाठी चार्ज के बाद अब हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि किसानों पर लाठी चार्ज के बाद यूपी पुलिस अब बैकफुट पर आ गई है। आपको बता दें कि 6% जमीन दिलाने के लिए राज्य के सीनियर अधिकारियों को पत्र लिखा गया था और उसी के बाद ये तनाव उत्पन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का ट्रांस गंगा सिटी परियोजना के तहत शंकरपुर में किसानों को जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसी को लेकर रविवार और शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। आंदोलन के पहले दिन शनिवार को किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। किसानों की ओर से किए गए पथराव में एसपी और डीएसपी सहित 7 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि कई अन्य किसानों को भी चोटें आई थी। किसानों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां चलाई थी, बेरहमी से पिटाई की थी। उसी के बाद तनाव उत्पन्न हो गया था। हालात पर काबू पाने के लिए अब बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि उन्हें 6% जमीन विकसित इलाके में दी जानी थी, लेकिन जमीन नहीं दी गई है, जिसके चलते किसान परेशान है। वैसे ही सब जानते हैं कि इस वक्त किसानों की क्या स्थिति है, पर किसानों पर हिंसक झड़प हुई है, बुरी तरह से पीटा है और उसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर अब किसान भी हिंसक हो गया है। उसने तोड़फोड़ की है। किसानों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हमला किया, जेसीबी तोड़ दी, 2 लोग घायल हुए, दूसरा मामला दर्ज किया गया है। आग भी लगाई गई, धुआं धुआं होता रहा, हिंसक हो गई है अब ये मुआवजे की मांग।